नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी घर बैठे अपना आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाना चाहते हैं और ये अपना यहाँ पर आप अपना यहाँ पर खुद का शॉप खोले हैं तो आपके ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर शॉप खोले और अपना खुद का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूजर आई डी और एंड पासवर्ड किस तरह से लेना है, तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि अपना यहाँ पर यूजर आई डी और यहाँ पर पासवर्ड किस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कार्ड पोर्टल का। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहां पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या यहाँ पर लैपटॉप का कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना, वहाँ पर आपको सर्च में आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको क्या टाइप कर देना है, आपको टाइप कर देना है आयुष्मान UTI आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए यहाँ पर हम आयुष्मान UTI यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देते हैं, आपको यहाँ पर आयुष्मान UTI लिख कर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं PM जो है आयुष्मान भारत लॉगिन, तो इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने यहाँ पर देखिए आयुष्मान भारत ई कार्ड फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आपको क्या करना है, आपको इसका यहाँ पर आईडी पासवर्ड लेना है। तो आपको यहाँ पर देख सकते यूजर लॉग इन वगैरह, तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाले हैं। अगर आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड लेना है तो आपको क्या करना, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरह से इसका आप यूजर नेम और पासवर्ड ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम डाल के पहले आपको गेट इन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के गेट इन पे क्लिक कर देते हैं। गेट इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सेंड OTP और स्किप OTP का दो ऑप्शन शो करेगा, तो आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते सक्सेसफुली यहाँ पर OTP जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर यहाँ पर OTP गया, OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए अपना OTP यहाँ पर फिल कर दे दिए, यहाँ पर देख सकते हैं फिल करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई OTP शो करा है, तो वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पोर्टल यहाँ पर पूरी तरह से ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर होम शो करें और यहाँ पर PVC ई कार्ड प्रिंटिंग, यहाँ से अपना PVC ई कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा है नेशनल हेल्थ ऑथोराइज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पोर्टल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर फर्स्ट में शो करा है होम, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद सर्च बेनिफिशरी, उसके नीचे लिंक आधार, फिर उसके बाद नीचे शो करा है एनरोलमेंट, मतलब यहाँ पर अगर लिस्ट में नाम नहीं तो आप एनरोलमेंट करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उसके नीचे शो करा है यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव बेनिफिशरी, जितना भी आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड अप्लाई करते हैं सारा यहाँ पर अप्रूव बेनिफिशरी में शो करेगा, और जितना भी आप यहाँ पर पेंडिंग होता है सारा पेंडिंग बेनिफिशरी में शो करेगा, जितना का भी रिजेक्ट होता है यहाँ पर रिजेक्ट बेनिफिशरी में शो करेगा। तो आपको यहाँ पर हम सर्च बेनिफिशरी पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर सर्च पैरामीटर पे क्लिक करके आप यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर अपना लिस्ट में नाम चेक कर अपना बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम राशन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें अपना यहाँ पर राशन नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च लेने के बाद यहाँ पर जितना भी यहाँ पर नाम होगा सारा नाम शो करें, और जिसका भी बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पर SEC सर्च पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाला बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग लेगा, जिसका नाम पर नाम शो हो जाएगा, यहाँ पर फादर नेम शो हो जाएगा, आपको क्या करना है इसका यहाँ पर मदर नेम फिल कर देना है, फिर यहाँ पर स्पॉन्ज नेम आपको डाल देना है जो भी स्पॉन्ज नेम है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट रहेगा, एज सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर उसका आपको क्या करना है आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, फिर उसके नीचे शो करा है विलेज वो फिल करके आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, आपको यहाँ पर बताने वाले कि इसका आप UTI का ID कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसको भी यहाँ पर ID चाहिए वो हम यहाँ पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, उसको यहाँ पर कमेंट्स कर दीजिएगा तो हम यहाँ पर WhatsApp नंबर दे देंगे, आप वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स भेजकर यहाँ पर अपना ID पासवर्ड हम आपको यहाँ पर दे देंगे। दोस्तों जिसको भी यहाँ पर लेना है यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर कुछ इसका चार्ज भी लगता है, हम आपको बता देते हैं, आप पहले नहीं बोलिएगा कि यहाँ पर बताए नहीं थे, तो इसका यहाँ पर चार्ज लगता है, आपको यहाँ पर चार्ज दीजिएगा तभी आपको यहाँ पर इसका ID आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको जो लेना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।